लो बेटे, स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। राइट डाउन एवरीबॉडी, प्लीज राइट डाउन हेडिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने हेडिंग लिखा हो, जबकि कुछ बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं निकाली। 8th G के स्टूडेंट अभी सेटल ही नहीं हुए, लिखा क्या हेडिंग क्या लिखा होगा? शाबाश। लो बेटे, सबसे पहले आप ग्लास स्लैब को देखो, मैं आपको दिखाता हूं। सभी बच्चे बोर्ड पर देखें, ये देखो, ये मेरे पास ग्लास स्लैब है। आपकी लैब में भी पड़ी होगी, इसको मोटा भी कर सकते हैं, पतला भी, छोटा भी। ग्लास स्लैब, ध्यान से सुनना। अब हम करेंगे क्या, हम इस ग्लास स्लैब को यहां रखेंगे ऐसे, बोर्ड पर फोटो भी बनाऊंगा बाद में, पहले समझ लो। और यहां से रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, और ये और रे ऑफ लाइट इधर से निकलेगी नीचे से। लेकिन ध्यान से सुना, हम सोचते हैं रे ऑफ लाइट ऐसे गई और स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। हम सोचते हैं ऐसे ऐसे गई और इसी डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट हमें जहां से लगती है ना, हमें लगता है यहां से निकलेगी, लेकिन थोड़ा हट के निकलती है इधर से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आप सभी को पता है ये ग्लास स्लैब इन कंपैरिजन टू एयर इज ए डेंसर मीडियम। ओके, तो इट मींस इसमें डबल रिफ्रैक्शन होगी। फर्स्टली लाइट विल गो फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट इज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फिर से सुनो, पहले हवा से कांच में जाएगी, फिर कांच से हवा में जाएगी। जब हवा से कांच में आएगी एक रिफ्रैक्शन होगी, जब कांच से हवा में जाएगी तो दूसरी रिफ्रैक्शन होगी। अब हम उस रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम बनाते हैं बोर्ड पर। लेकिन एक बात याद रखना है, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाए, यानी हवा से कांच की तरफ, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ग्लास स्लैब टू एयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। So, आओ हम उसको बोर्ड पे फिगर बना के देखते हैं। शाबाश। लुक यार बेटे, सबसे पहले टीचर ने आपको ग्लास स्लैब ऐसे करके दिखाया। ओके? तो इस ग्लास स्लैब का जो फ्रंट व्यू है उसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। सभी बच्चे बना ले। यहां पर हम रे ऑफ लाइट थ्रो करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ओके, लेकिन उससे पहले ही हम यहां पर नॉर्मल ड्रा कर ले। तो मैंने नॉर्मल ड्रा करा है ग्रीन कलर से। वॉट इज नॉर्मल? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी एज ऑफ दी स्लैब। लुक हियर, 90 डिग्री, सो दिस इज योर नॉर्मल। दिस पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे, योर अटेंशन। अब मैं रे ऑफ लाइट लेकर आ रहा हूं व्हाइट कलर की। देखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इज इंसिडेंट ऑन स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट पी।
इट इज फॉलोइंग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इट इज फॉलिंग ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर ग्लास स्लैब ना होता, सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगर ग्लास स्लैब ना होता तो ये इसमें रिफ्रैक्शन ना होती और ये रे ऑफ लाइट अपना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती और ऐसे डॉटेड पॉइंट से निकल जाती, ऐसे निकल जाती स्ट्रेट लाइन। ओके, थोड़ा डार्क करूं, लाइक दिस। इट वुड हैव गॉन थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ हैड देयर बीन नो ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हुआ क्या बेटे, ध्यान से सुना। इट इज कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। इट मीन्स इट विल लीव इट्स ओरिजिनल पाथ एंड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, सो दैट मीन्स व्हाइट लाइट विल पास थ्रू दिस वे रिफ्रैक्टेड रे। बाय हाउ मच एंगल इट इज डेविएटेड, एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ मच एंगल इंसिडेंट रे मेड विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाउ मच एंगल रिफ्रैक्टेड रे मेड विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाउ मच एंगल इज मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द रिफ्रैक्टिंग एज, एंगल ऑफ ग्लास। दिस इज व्हाट अपर एज, दिस वन रिफ्रैक्टिंग एज। एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग एज भी है निचली साइड पर, अनदर रिफ्रैक्टिंग एज। दिस अब ध्यान से सुनो बेटे, श्योर अटेंशन। मैं ये चाहूंगा कि अब थोड़ी देर के लिए अपना पेन रोक लें। शाबाश सभी बच्चे, वरना समझ में नहीं आएगा, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। सभी बच्चे को टीचर का कहना मानना चाहिए, क्योंकि मेरे को सालों साल हो गया पढ़ाते हुए। आपको दुनिया में आए हुए जितने साल हो गए हैं उसमें भी 10 साल ऐड कर दो, तब से पढ़ा रहा हूं। जितने साल दुनिया में आए हुए हो गए उसमें भी 10 साल ऐड कर, सो इसलिए ध्यान से सुनो। शाबाश, स्टॉप राइटिंग। तो जब यहां पर लाइट जा रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो पी डैश है वो क्या है? वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करने लगी है। इट मीन्स हमें यहां पर फिर से नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा पी डैश पे, अनदर नॉर्मल। तो बेटे ये हो गया हमारा नॉर्मल, सेटिंग करो। नीचे हम्म, नीचे नीचे नहीं और सेटिंग करो बेटे, 1 मिनट दे, बोर्ड हिल गया, नॉर्मल पॉइंट। नहीं, दिस इज योर नॉर्मल, ओके। ये ग्रीन लाइन जो है हमारे पास, दैट इज योर नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स लाइन मेकिंग 90 डिग्री विद द रिफ्रैक्टिंग एज।
Now the light is entering from denser to rarer. What will happen? It will go away from the normal. It will go away from the normal. Look here. देखो ये नॉर्मल से उधर को हो जाएगी. सो सेकंड रिफ्रैक्शन. ओके, सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया यहां पर. ये दोनों पाथ जो होते हैं बेटे, ये दोनों पाथ जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइट को और जहां से एक्चुअल में निकली, टिक वाले दोनों पाथ आपस में पैरेलल होते हैं. पैरेलल. बच्चे कहता है व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल सर? पैरेलल का मतलब यहां पर इनका जो ये गैप है आपस में, दिस वन गैप, ये वाला परपेंडिकुलर गैप, यहां से भी 90 डिग्री, यहां से ये वाला गैप. बेटे मैं इसमें कलर चेंज करके दिखाऊं आपको, ज्यादा अच्छा लगेगा. ये ब्राउन कलर से जो मैच कर रहा है, ठीक है, ये गैप आपस में, एक्सपेक्टेड पाथ एंड एक्चुअल पाथ, ये जो गैप है इसको बोलते हैं एल आर. एल आर मीन्स लेटरल शिफ्ट. एल एस, सॉरी, एल एस लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट. सभी बच्चे लिख लो. तो ये देखा हमने, क्या देखा? कि लाइट ने अपना डायरेक्शन तो उधर ही रखा, लेकिन एक्सपेक्टेड पाथ से साइड वाइज थोड़ा सरक गई है. यहां से जा तो ऐसी रही है, देखो यहां से गई या डायरेक्शन यहां से गई, लेकिन यहां एक्सपेक्टेड पाथ से इतना सरक गई, एक तरफ हो गई. एक तरफ साइड की इंग्लिश होती है लेटरल, सरकना की इंग्लिश होगी शिफ्ट, इसलिए बन गया ये लेटरल शिफ्ट. ओके, और एक्सपेक्टेड पाथ और एक्चुअल पाथ दोनों पैरेलल रेज होंगी. इस तरह से बेटे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा. इसको आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी करोगे, लैब एक्सपेरिमेंट भी करोगे, दो बार करोगे. एक बार तो आप इसको करोगे 10th क्लास में, एक बार +2 क्लास में, और अगर आपके क्लास टीचर डेडिकेटेड हैं तो आपको इस क्लास में भी करवा सकते हैं, वो 8th में भी करवा सकते हैं. राइट सभी बच्चों को ये समझ आया बेटे हैं? प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यस. प्लीज वेव योर राइट हैंड. दोनों में से एक हाथ हिलना चाहिए, जिसके दोनों नहीं है वो क्लास छोड़ के चला जाए. अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड. ले, कुछ बच्चे हाथ नहीं हिला रहे. मैम ये 8th G में से दो बच्चों को बाहर निकाल दो क्लास में से. मैं सुस्त बच्चा तो मेरे को चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं मेरे को क्लास में. चलो डाउन, शाबाश. जो हाथ हिला के टीचर को इंडिकेशन भी नहीं दे सकता, उसको हक ही नहीं है मेरी क्लास में बैठने. कोई भी बच्चा ऐसा हो जो इस तरह का इंटेंशन रखता हो, वो पहले ही क्लास छोड़ दे बेटे प्लीज. अब टीचर को इंडिकेशन भी नहीं दे सकते तो फिर क्या कर सकते? तो ये क्लास लाइव हो गया इसमें. हाँ सर, जी, सर सेकंड नॉर्मल वाला कंसेप्ट समझाना फिर से. लो लो अभी, शाबाश. जब यहां से बेटे लाइट, ये देखो ये वाली लाइट जिसपे टीचर ने ग्रीन येलो एरो लगा दिया, ये रे ऑफ लाइट बेटे पॉइंट P- के ऊपर गिर गया. तो कहां से जा रही है ये कांच से हवा में जा रही है. तो टीचर ने लास्ट लेक्चर में सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ रेयरर से डेंसर दिखाया था, एक तरफ डेंसर से रेयरर रिफ्रैक्शन सिखाया था आपको. तो जो डेंसर से रेयरर सिखाया था इस तरफ, वो वाला यहां लग जाएगा. देखो ये लाइट जानी तो इस तरफ चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, पर क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए नॉर्मल से उधर को हटी, अवे फ्रॉम नॉर्मल. क्लियर है? तो ऐसे ही जब ये रे ऑफ लाइट जाती है,
डॉटेड एक्सपेक्टेड रे ऑफ लाइट थी जो नॉन साइंस पर्सन के लिए, जिसको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता, वो तो ऐसे सोचता है रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो उस स्ट्रेट लाइन के रहेगी तो पैरेलल ही है, पर साइड वाइज शिफ्ट हो जाएगी, साइड वाइज शिफ्ट। एक बात याद रखनी है बेटे, अगर मैं, मेरे पास स्केल नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूं, ये वाली लाइन जो है डॉटेड, ये मेरे से हल्की सी टेढ़ी हो गई है। इसका मतलब अगर कोई टीचर मेरा डायग्राम चेक करेगा तो मेरे हल्के से मार्क्स कट लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सही कर लेता हूँ। बिल्कुल एक्सपेक्टेड पाथ जब दिखाना है आपने, तो उसी ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखाना है। अब देखो, ये मैं एक्सपेक्टेड पाथ कहूंगा, क्या एक्सपेक्टेड पाथ और एक्चुअल पाथ, ठीक है बेटे? और हमारा यहां क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन डैड। अब ध्यान से सुन लो, कौन कौन से पॉइंट साइड पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एंगल दोनों के टोटल के बराबर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास, ये दोनों। 90 डिग्री। शाबाश, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है एक बच्चा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है बेटे? ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या, शिफ्टेड पाथ एंड एक्सपेक्टेड पाथ, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। वेरी गुड, पैरेलल। और एक बात और बताना चाहूंगा, जब लाइट इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड होके बाहर निकल जाए, तो इस रे का जो नाम है, जिसको इमरजेंट टीचर पिंक कलर से लिख रहा है, रे। शाबाश शाबाश, इसको हम बोलेंगे इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। बना लो सारे बच्चे, बना लो। यहां पर जो एंगल बनेगा इमरजेंट रे ने नॉर्मल के साथ, ये वाला डबल वाला जो बनाया, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। स्मॉल ई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। एक बात याद रखनी है, बहुत से बच्चे ये याद कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस याद कर लेते हैं। ये सही भी है गलत भी है। अब बच्चा कहता है, सर ये क्या बात हुई, सही भी है या गलत भी है? तो मैं बताता हूं ये कब सही है कब गलत है, ध्यान से सुनना, योर अटेंशन। अगर ये वाला रेयरर मीडियम यानी एयर और ये वाला रेयरर मीडियम सेम हो, सेम, तब ये दोनों रेज पैरेलल भी होती हैं और ये इक्वल होते हैं दोनों। यानी कि रेरर, इफ इसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ रेरर मीडियम अबव ग्लास स्लैब, अबव ग्लास स्लैब इज सेम एज रेरर मीडियम बिलो, रेयर मीडियम बिलो ग्लास स्लैब, बिलो ग्लास स्लैब। अगर ये कंडीशन पूरी होती है स्टार वाली, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर, यानी ये वाला एंगल जिस पे टीचर ने डबल टिक करा और ये वाला एंगल जिस पे टीचर ने डबल टिक करा, दोनों बराबर तब हुए। दूसरी बात, एक्सपेक्टेड पाथ और एक्चुअल इमर्जेंट पाथ दोनों पैरेलल तब होंगे अगर ऊपर वाला रेरर मीडियम और नीचे वाला रेरर मीडियम ग्लास स्लैब के सेम हो। अगर ऐसा हो, मान लो यहाँ हवा, यहाँ कांच, यहाँ पानी, तब ये पैरेलल नहीं होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर नहीं। अब सभी बच्चों को ये डायग्राम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, इट इज फुली लेबल्ड डायग्राम। शाबाश, जल्द से जल्द।
आई एम गिविंग यू टाइम, जितनी देर में मैं पानी पी रहा हूं वही टाइम है बस। अब तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज ड्रॉन। बेटे ये इंसिडेंट राइट, एक बच्चे ने पूछा था किसी और स्कूल में, ये इंसिडेंट रे कौन से कलर की होनी चाहिए? एनी कलर, एनी कलर। जब लैब पे आपने रे ऑप्टिक्स से ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो मेरी एक सजेशन है आपको, आप रेड कलर की लाइट से एक्सपेरिमेंट करना। आपके रिजल्ट्स में बहुत कम एरर आएगा। एक्सपेरिमेंट ओके, वैसे आप कोई भी यूज कर सकते। तो ये था हमारा बेटे एक आर्टिकल। अब मैं इसको इरेज कर दिया। अभी भी आपको अगर दिखता है कहाँ कहाँ पर टीचर ने क्या क्या बनाया था, तो आपका बहुत अच्छा मेमोरी है। कौन बच्चा बताएगा मैंने एंगल ऑफ ग्लास किस कलर से बनाया था? ग्रीन पक्का? लेट्स सी। येलो से बनाया था। अच्छे से देखो इसको, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, सभी बच्चे देख लो। लो इसको छुपाते हैं हम। कौन बच्चा बताएगा कि मैंने एंगल ऑफ इमर्जेंस किस कलर से बनाया? पर्पल बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अब हम नया आर्टिकल करते हैं। सभी बच्चे हेडिंग लिखें, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। शाबाश। जब आप रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ें, तो एक प्रिकॉशन है, वरना ये होएगा नहीं एक्सपेरिमेंट। प्रिकॉशन, आपको व्हाइट लाइट नहीं यूज करनी। व्हाइट लाइट डोंट यूज। इसके बिना आप कोई भी यूज कर सकते हो, रे ऑफ लाइट, रेड करो, ग्रीन करो, व्हाटएवर। अब ध्यान से सुनना बेटे, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रिज्म। योर अटेंशन। मैंने एक ट्रायंगुलर फेस लिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, बिल्कुल उतने ही साइज का एक और ट्रायंगुलर फेस लिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। इन दोनों ट्रायंगुलर फेसेस को मैंने पैरेलल रख दिया, तब मैंने इसकी साइडों को, इस साइड, उस साइड और बॉटम वाली साइड, उनको रेक्टेंगुलर फेसेस से बंद कर दिया। रेक्टेंगुलर फेसेस से, तो कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए? 1, 2 और 3। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए, और फ्रंट वाला और बैक वाला ट्रायंगुलर फेस हो गया। ये 5 फेसेस हुए, 2 ट्रायंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर, और अंदर से भी इसको होलो नहीं रखना, ट्रांसपेरेंट मीडियम से भर देना।
ये कांच का भी हो सकता है, ये बर्फ का भी हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये पतले से पत्रे का प्रिज्म बना के बीच में लिक्विड भरा जा सकता है, पेट्रोल, ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि कांच का। बच्चे सोचते हैं कांच का। तो तीन ट्रायंगुलर फेसेस और ना तीन रेक्टेंगुलर फेसेस और दो ट्रायंगुलर फेसेस, उनका उनका क्लोज्ड सॉलिड ट्रांसपेरेंट, क्लोज्ड सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ क्या बेटे? टू ट्रायंगुलर फेसेस, वो भी ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी, एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, बिल्कुल बराबर के सही। ये होता है डेफिनेशन व्हाट इज प्रिज्म का। व्हाट इज प्रिज्म लिख लो सभी बच्चे, डेफिनेशन व्हाट इज प्रिज्म, अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू ट्रायंगुलर फेसेस, ब्रैकेट में कंग्रुएंट कर देना, एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, साथ में लिखना एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अब इस प्रिज्म का जो फ्रंट व्यू है बेटे, जो फ्रंट व्यू है दिस वन, ये फ्रंट व्यू जहां पर टीचर ने एरो लगाया, इस फ्रंट व्यू को मैं बोर्ड के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, देखो योर अटेंशन, आई हैव शोन प्रिज्म, बहुत से बच्चे सोचते हैं दे ऑलवेज दे यूजुअली थिंक दैट दैट दिस ट्रायंगल इज कंग्रुएंट, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी बेटे, ओके? तो दिस ट्राइंगल मे बी इक्विलेटरल और मे नॉट बी इक्विलेटरल, राइट? लाइक इफ आई वॉन्ट टू मेक दिस ट्राइंगल ऑफ अनदर शेप, आई कैन मेक अनदर शेप ऑफ ट्राइंगल, राइट बेटे? लुक हियर लाइक दिस, ठीक? इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग अनदर ट्राइंगल, आई कैन मेक किसी भी शेप का, आई कैन मेक, नाउ लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, कैसे बेटे? लुक हियर, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट, लुक फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट द रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द एज ऑफ द प्रिज्म, एज ऑफ द प्रिज्म, एवरीबॉडी नोज दैट इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल इट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, वॉट विल हैपन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आई एम ड्राइंग द नॉर्मल, लुक हियर नॉर्मल, वॉट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज द स्ट्रेट लाइन मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद दी रिफ्रैक्टिंग एज, ओके? व्हाट इज दिस? दिस इज दी बेस ऑफ दी प्रिज्म, जो जमीन के साथ, टेबल के साथ टच है, एंड व्हाट इज द फ्रंट एंगल ऑफ द प्रिज्म? दिस वन एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके? तो लुक हियर, हैड देयर बीन नो प्रिज्म, अगर प्रिज्म ना होता
तो ये लाइट किधर को चले जाती? इट वुड हैव फॉलोड इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ एंड हैड गॉन टू दिस डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, स्ट्रेट लाइन में चला गया होता। गॉट इट? बट एक्चुअल में व्हाट हैपेंस? एक्चुअल एक्चुअल एवरीबॉडी नोज एज वी आर दी साइंस पर्सन्स दैट इट विल सफर द रिफ्रैक्शन। एवरीबॉडी रिफ्रैक्शन। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम जतन 8th C। जतन, कैन यू प्लीज कम ऑन द माइक? 8th C बेटे, माई क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी? व्हाट विल हैपन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी? शाबाश। कैन एनी अदर पर्सन टेल मी नॉर्मल इन द सेम क्लास? टूवर्ड्स नॉर्मल वेरी गुड। कैन यू टेल मी द रीजन ऑल्सो? कैन यू टेल मी द रीजन वाई इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल? एनीबॉडी अदर इन द सेम क्लास प्लीज कम ऑन द माइक? हाँ जी, हाँ जी, 8th G में कम। हाँ राइट, बच्चे जिसका हाथ खड़ा है येलो शर्ट प्लीज सर, कम। क्यों सर? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। एक्सेलेंट, ट्राई टू रिप्लाई इन इंग्लिश बिकॉज वी हैव टू अटेम्प्ट द पेपर इन इंग्लिश। सो बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सर, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। करेक्ट, फ्रॉम एयर टू ग्लास फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। विच नॉर्मल? दैट नॉर्मल इज शोन बाय द ग्रीन कलर बाय द टीचर। लुक हियर, दिस इज नॉर्मल। ओके, सो एट दिस पॉइंट पी डैश, P dash, another refraction will take place. P dash. This time ray of light is going from denser medium to rarer medium. What will happen now? मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट। Move away. लेकिन हम पहले नॉर्मल ड्रा तो करें। लेट्स ड्रा द नॉर्मल विद येलो कलर। लुक हियर, व्हाई आई एम कॉलिंग इट येलो नॉर्मल? बिकॉज दिस डॉटेड येलो लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द एज ऑफ द प्रिज्म, दैट इज वाई नॉर्मल। सो व्हाइट रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग, विच इज शोन बाय व्हाइट कलर, एक्चुअली इट शुड नॉट बी व्हाइट। ओके, आई एम यूजिंग व्हाइट कलर। दिस रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज दिस वे। अगर अगर ये डेंसर से रेरर में ना जा रही होती तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल गई होती। लुक हियर ऐसे, बट इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये हमने रे डायग्राम बनाया प्रिज्म का, इसमें हमने बहुत सारे एंगल मेंशन करने हैं। सभी बच्चे पेन रोक दो थोड़ी देर के लिए, सारे पेन एंगल्स ध्यान से सुनो, सारे एंगल ध्यान से सुनना। टीचर इज गोइंग टू मेंशन नंबर 1, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नंबर 2, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ग्लास। नंबर 3, इमर्जेंट रे मेक्स स्पेसिफिक एंगल विद द नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। नंबर 4, लाइट जा रही थी इधर को, चलेगी इधर को, प्रिज्म ने इतना इसको मोड़ दे दिया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और दोनों नॉर्मल आपस में जोड़ दो। देखो दोनों नॉर्मल, येलो कलर को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब येलो नॉर्मल और ग्रीन नॉर्मल दोनों ने प्रिज्म के अंदर वाली रे ऑफ लाइट के साथ एक एंगल बना रखा। ओके, एक ये एंगल देखो जिसको टीचर येलो कलर से डार्क कर रहा है, इसको R1 बोलते हैं।
और एक ये एंगल जिसको टीचर पर्पल कलर से डार्क कर रहा है, पर्पल कलर से ये वाला एंगल, इसको आर टू बोलते हैं। इन दोनों एंगल्स को एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। शाबाश, लेट्स राइट दी टर्मिनोलॉजी। अब बना लो फटाफट। कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, शाबाश। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो कितने एंगल निकलते हैं हम दिखाते हैं। एंगल आर वन एंड आर टू एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, जी एंगल ऑफ ग्लास, इतने सारे तो एंगल ही एंगल हैं। अगर आपने पेपर में एक भी लेवल मेंशन नहीं करा एंगल, तो मार्क्स डिडक्ट आ जाएंगे। जब ये डायग्राम बन जाए, डबल रिफ्लेक्शन हुई यहां पर, एक पी पर एक पी डैश पॉइंट पर। जब ये पेपर में डायग्राम बन जाए, तो अगर आप चाहते हो आपके मार्क्स आपके कंपिटिटर बच्चे से ज्यादा आए, तो साथ में ये भी लिख देना। कौन सा? एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। एक और लिख देना, क्या लिख दोगे? शाबाश, उसमें क्या लिखोगे? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दो फार्मूले आप लिख देना। टीचर खुश हो जाएगा आपका कि ये तो इसने साथ में रिलेशन में लिख दिया। अगर आप अपने स्कूल के बेस्ट बच्चे को भी बीट करना चाहते हो कि उससे भी ज्यादा मार्क्स आए, तो साथ में ये बना देना छोटा सा। ध्यान से देखना क्या बना रहा है टीचर। एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक तरफ एंगल ऑफ डेविएशन बनाना। दोनों में जो ग्राफ की शेप बनाओगे वो ऐसे कप शेप बनाना, ऐसी शेप बना देना। और इस ग्राफ का नाम होता है, जो ऐसी शेप का होता है कप शेप का, उसका नाम होता है पैराबोला। पैराबोला। अब आपसे बढ़िया इस क्लास में कोई नहीं रिप्रेजेंट करेगा इसे। शाबाश, जितने बच्चों को ये डायग्राम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझ आया, प्लीज वेव योर राइट हैंड। जिनको नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। दोनों में से एक तो करना ही करना है, एक तो करना ही करना है बेटे, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट। बेटे एट्थ ए माइक ऑन करो, और एक भी बच्चा मेरे को इंडिकेशन नहीं दे रहा हाथ वेव करके। एट्थ ए प्लीज स्विच ऑन माइक। हाँ जी, अभी भी ऑफ दिखा रहा है वैसे। सर हमारी आवाज कट हो गई थी, कुछ सुना नहीं प्रिज्म का टॉपिक। ओके, मैं ये पूछ रहा हूं, आपको ये डायग्राम समझ आ गया? वंस अगेन पुटिंग द सेम क्वेश्चन, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज वेव राइट हैंड। बेटे एट्थ एफ में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। मैम वो लास्ट में बच्चे को बाहर निकाल दो एट ई में से। सर एक एट बार सारा टॉपिक रिपीट कर दो, हमारी क्लास में आवाज नहीं आई थी। कौन सी क्लास में नहीं आई आवाज? तो सर बोला क्यों नहीं बेटे? बोला चाहिए, कोई माइक भी बंद था। बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बच्चा एट्थ ए को थोड़ी प्रॉब्लम आ गया, उनको टीचर का डायग्राम तो दिखा लेकिन आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैं समराइज कर रहा हूं, आपका भी फायदा उनका भी फायदा। प्लीज लिसन वेरी क्विकली।
मैंने एक प्रिज्म का डायग्राम बनाया जो प्रोपोर्शन प्रिज्म का टेबल के साथ टच करता है, जिसके ऊपर ये प्रिज्म खड़ा हुआ है उसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। एग्जैक्टली अपोजिट एंगल ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। गॉट इट? दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट इज थ्रोइंग द लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। एट द पॉइंट पी लाइट फॉल्स एज इट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट लीव्स इट्स एक्सपेक्टेड पाथ बट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो ये ग्रीन कलर का नॉर्मल है, उधर को बेंड हो गया रे ऑफ लाइट। व्हाई? बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब ये पी डैश पॉइंट पर गिरता है रे ऑफ लाइट। पी डैश पॉइंट पर जब लाइट गिरेगा तो इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो दैट मीन्स इट शुड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब है येलो कलर का जो नॉर्मल है उससे ये दूर को हट गया, अगर ना हटता होता तो ऐसे निकल जाता। देखो यही वाला पाथ फॉलो कर लेता, पर ये नॉर्मल से इधर को हट गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इसलिए ध्यान से देखना, एस से लेकर सोर्स से लेकर ये जहां पर मार्कर जा रहा है टीचर का, ये पाथ हो गया असली रे ऑफ लाइट। फिर से देखो दिस वन, निकली हुई लाइट को इमर्जेंट रे बोलते हैं। उसने कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ इमर्जेंस नॉर्मल के साथ। उसने एक्सपेक्ट इमर्जेंट रे ने एक्सपेक्टेड पाथ के साथ कितना एंगल बनाया? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। सारे एंगल जितने भी मेंशन करे हैं R1 R2 वगैरह, उनके नाम लिख रखे हैं बेटे। अगर मैं इस सोर्स ऑफ लाइट को ऊपर नीचे करूं हाथ से पकड़कर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है। इसके चेंज होने से एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता है। दोनों का ग्राफ ड्रा करूं तो ऐसे कप शेप ग्राफ आता है। इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। सोर्स ऑफ लाइट को ऊपर नीचे करने से आई चेंज होता है, डेल्टा चेंज होता है, जैसे आप छोटी क्लासों में करते आए हो ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई, बिल्कुल ऐसे ही एक्स की जगह आई, वाई की जगह डेल्टा। और जितने भी एंगल बने हुए हैं उसमें कुछ रिलेशन होते हैं। कौन से रिलेशन होते हैं? जिसको टीचर ने रेड कलर में बॉक्स में बंद कर दिया, ये दो फार्मूले आपको रट्टा मारना, क्रैमिंग, जस्ट क्रैमिंग। क्या बताया है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शंस। सेकेंड, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। लिख लो ये सारे बच्चे, ठीक है बेटे? एट्थ ए सेटिस्फाइड? से यस और नो? गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हमने पढ़ना है इसी प्रिज्म में डिस्पर्शन, लेकिन जब डिस्पर्शन पढ़ना है तो व्हाइट लाइट थ्रो करनी है व्हाइट, और जब रिफ्रेक्शन पढ़ना है तो व्हाइट लाइट कभी नहीं होनी चाहिए। बच्चा कहेगा सर आपने क्यों व्हाइट लाइट यूज कर ली फिर? मैंने तो सिर्फ बेटर विजिबिलिटी ऑफ फिगर के लिए यूज करी, ताकि व्हाइट कलर का ब्लैक से अच्छा कंट्रास्ट मिले और बच्चों को अच्छे से फिगर दिखे। इसलिए हालांकि आपने शुरू में ही प्रिकॉशन लिख देनी है कि जब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ना है प्रिज्म में तो व्हाइट लाइट नहीं यूज करो, डिस्पर्शन पढ़ना है तो व्हाइट लाइट ही करनी है, और उसका कारण भी मिल जाएगा अब आपको। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, शाबाश सभी बच्चे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म,
एक यहां पर यूज व्हाइट रे ऑफ लाइट एज इंसिडेंट रे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। लो बेटे ध्यान से सुना। आप इस आर्टिकल को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट पहले पकड़ने पड़ते हैं, फिर ये समझ आता है बाद में। ध्यान से सुन लेना, ये दो 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 फेजेस में कवर होएगा ये आर्टिकल। पहले फेजेस में बेसिक फैक्ट्स सुन लेना ध्यान से। शाबाश बेटे। जब भी किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट पर्टिकुलर कलर लाइट ट्रेवल करती है, ट्रेवल्स, ध्यान से सुनना, तो वो वेव के रूप में भी ट्रेवल करती है। लाइट वेव भी होती है और रे भी होती है, ध्यान से सुन लो। ऐसे ट्रेवल करेगी। अब अगला पॉइंट, जब ये वेव के रूप में ट्रेवल करती है तो अपर सेक्शन को क्रस्ट बोलते हैं और लोअर सेक्शन को ट्रफ बोलते हैं। जितने पोर्शन को टीचर ने येलो कलर दे दिया, क्रस्ट एंड ट्रफ, येलो कलर दे दिया, उसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा से लिखते हैं, ये भी ग्रीक लेटर है, लैम्बडा, LAMBDA। वैसे साइंस में क्या बोलेंगे हम? वेवलेंथ। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट, योर अटेंशन, सेकंड पॉइंट। टाइम इज ओवर। टाइम हो गया 3 मिनट्स, चलो इसी को फटाफट कवर कर लेते। सेकंड पॉइंट, रेड कलर का वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता और वायलेट कलर का मिनिमम होता है। वायलेट कलर लैम्बडा मिनिमम, याद रखना, बाकी कलर्स का बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, साइंटिस्ट था बेटे काची, उसने हमें यह बताया जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना उस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और इसका मतलब है रिफ्रैक्शन कम होगा, और रिफ्रैक्शन कम होने का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। इस बंदे ने हमें ये रिजल्ट बताया, ये साइंटिस्ट है काची। फोर्थ पॉइंट, आज का लास्ट, व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी होती है और उन कलर्स को विबग्योर से लिखते हैं। विबग्योर, कोई बच्चा बताएगा इसका फुल फॉर्म? वॉयलेट इंडिगो इंडिगो ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन येलो येलो ऑरेंज रेड। रेड। यस, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो ये इस आर्टिकल का बेसिक है। कल हम देखेंगे कि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म के ऊपर थ्रो करते हैं तो ये 7 कलर्स में क्यों टूट जाती है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, और 7 कलर टूटने के बाद जो पैटर्न बनता है उसको क्या बोलते हैं। इसको सारी चीज को डिटेल में बोलेंगे। स्पेक्ट्रम बोलते हैं तो फिर रेनबो, रेनबो भी वही होता है फिर। तो ये सारी चीजें क्लियर करेंगे तो आपको अभी रफ नॉलेज है, वेव, वेग नॉलेज है।
इसको क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इज दैट क्लियर? आज का लेक्चर जिसको समझ आया प्लीज वेव योर राइट हैंड। चलो दोनों हाथ वेव करो अगर आज का लेक्चर समझ आया। बेटे रेस्पॉन्ड करना होता है टीचर को। गर्ल्स नहीं कर रही है, एफ में कर रही। थैंक यू थैंक यू। समझ आया तो गुड नाइस। तो अगली बार मिलते हैं हम जब भी हमें टाइम टेबल मिलेगा।